हेलो व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं उड़द और चना दाल के लड्डू। सर्दियां आ चुकी हैं और इन सर्दियों में लड्डू खाने का मजा ही कुछ और है। रोज सुबह एक लड्डू का सेवन करने से हमारा पूरा दिन चुस्ती, फुर्ती और एनर्जी से भरपूर रहता है। तो आज जो मैंने लड्डू तैयार किया है इस बहुत ही आसान मेथड से, और इसे बनाने के लिए बहुत ही कम चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर चलिए देख लेते हैं कि इस लड्डू को मैंने कैसे तैयार किया है। उड़द और चने दाल के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले मैंने गैस पे एक कढ़ाई रख ली है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे उड़द दाल का आटा। ये मार्केट में बहुत ही इजीली आपको मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिल पा रहा ना, तो आप घर पे भी मिक्सी में चला सकते हैं। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे आधा कप चने दाल का आटा। और ये जो चने दाल का आटा है, ये दरदरा सा ही हमें चाहिए, बिल्कुल फाइन वाला, जो हमें पकौड़े बनाते हैं उसका इस्तेमाल ना करें। थोड़ा सा दरदरा आप ले सकते हैं, मार्केट में इसे भी बहुत ईजिली मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिल पा रहा ना, तो आप घर पे भी इसे पीस सकते हैं। तो 5 मिनट के लिए हमें ऐसे ही ड्राई रोस्ट कर लेना है। ये देखिए, 5 मिनट के बाद इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है और हल्की हल्की जो स्मेल होती है ना उसकी, वो भी चली जाती है। तो अब हम इसके अंदर घी ऐड करेंगे। तो टोटल 1 कप आटा है, तो मैंने आधा कप घी इसमें ऐड करेंगे। घी हमें थोड़ा पहला ऐड करना है और अच्छे से इसे चला देना है। ये जो मेजरमेंट मैं आपको बता रही हूँ ना, वो बिल्कुल परफेक्ट है। 1 कप आटे में हमें आधा कप घी लग जाएगा। आप देसी घी का ही इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है उससे। आप ऑयल में भी इसे बना सकते हैं, लेकिन लड्डू जो है ना, वो घी के ही ज़्यादा बेहतर होते हैं। तो देखिए, अब इसी तरह से हमें बिल्कुल स्लो आंच पे इसे अच्छे से कुक करना है। बिल्कुल दानेदार ये पक जाएंगे और इसी तरह से हमें चलाते रहना है। ये मत कीजिएगा कि अगर आपने इसे छोड़ दिया और तले में ये चिपक जाएगा और जल जाएगा, आपके लड्डू का जो टेस्ट है ना, वो ख़राब हो सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, इसे लगातार आपको चलाते रहना है। हल्की हल्की सी खुशबू इसमें आने लगेगी। 5 से 7 मिनट के अंदर ही आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है ना, वो भी चेंज हो चुका है और पूरे किचन में इसकी जो खुशबू है ना, वो आने लगती है। तब आप समझ जाइएगा कि ये बिल्कुल प्रॉपर कुक हो चुका है। जब ये कुक हो जाए ना, तो ये 2 चम्मच हमें पानी के छींटे इसमें ऐड करने हैं, लेकिन गैस को अभी बंद नहीं करना है, गैस को स्लो ही रखना है। जब 1 चम्मच पानी का छींटा हम ऐड कर रहे, पूरे बबल जब शांत हो जाए ना, तब 1 चम्मच फिर से हमें पानी का इस तरह से छिड़काव करना है। आप चाहे तो दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 चम्मच दूध का भी आप छिड़काव कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से पूरे कढ़ाई में बबल भर जाएंगे और जैसे ही बबल शांत हो जाए ना, तो आपको दूसरा छिड़काव करना है। तो ये बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से सिक चुका है। अब हम गैस को बंद कर लेते हैं। अब बंद करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे काजू और बादाम को, जिसे मैंने पीस लिया है, और 2 चम्मच भरकर यहाँ पे मैंने नारियल का बुरादा ले लिया था। आप जो भी ड्राई फ्रूट डालना चाहें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने उसे पाउडर फॉर्म में लिया है ताकि जो लड्डू है ना, वो अच्छे बन पाए। अब हम इसे निकाल लेते हैं एक अलग से प्लेट में, ताकि अच्छे से ठंडे हो जाए। लड्डू का जो बैटर है ना, उसे ठंडा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर गरम गरम में हम इसमें चीनी मिला देंगे ना, तो घी जो है ना, वो चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लेगी, तो आपके लड्डू बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाएंगे और अच्छे नहीं बन पाएंगे। तो ये स्टेप ज़रूर से करो, इसे ठंडा होने दें। तो अब देखिए, हमारा जो लड्डू का बैटर है उसे अच्छे से ठंडा हो रहा है। तो इसे हम इस तरह से लगातार चला लेंगे ताकि ये फटाफट से ठंडे हो जाए, और एक बार इसे इसी तरह से अच्छे से मिक्स भी कर लेंगे। तो ये स्टेप जो है ना, आप ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। और अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे इलायची और जायफल का पाउडर। आप चाहें ना, तो इसके अंदर सॉल्ट पाउडर या फिर गोंद को भी पीस कर आप इसमें डाल सकते हैं, या आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। एक बार लड्डू के बैटर को बहुत ही अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, तो यहाँ पे जो बैटर है वो बहुत ही अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब बारी आती है इसमें चीनी मिलाने की। तो यहाँ पे मैंने तगार बना लिया है, या फिर आप तगार नहीं बनाना चाहते तो मार्केट में बतासे मिलते हैं। बतासे को आप पीस कर और इस तरह से फाइन नहीं करें, लेकिन थोड़ा सा दरदरा सा रखिए, इसका टेक्स्चर है ना बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर 1 कप में मैंने आधा कप इस्तेमाल किया है। यहाँ पर आप तगार बना सकते हैं, लेकिन तगार आपको कैसे बनाना है, आधा कप चीनी ले लें और उससे भी कम पानी का इस्तेमाल कर लें, और इसे अच्छे से चाशनी आप बना दें। और जैसे ही आपको लगे कि सारा सख्त हो रहा है, आप लगातार चलाते जाए और आधा चम्मच इसमें घी ऐड कर दें, और गैस को बंद करके इसे लगातार चलाते रहें। तो इस तरह से वाइट आपका तगार बन जाएगा, और आपको लगते हैं कि बहुत सारे लम्स हैं तो आप उसे मिक्सी में चला सकते हैं। डायरेक्टली चीनी का इस्तेमाल आप बिल्कुल भी ना करें, आपके लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे और बहुत ज़्यादा मीठा सा खाली टेस्ट आएगा। और अगर आप तगार बनाकर
इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो मीठे के साथ साथ आपको एक दानेदार लड्डू का भी इतना ही अच्छा टेस्ट आएगा, उसका जो कॉम्बिनेशन है ना वो परफेक्ट जाता है। तो जब भी आप लड्डू बनाएं ना, तो तगार या बतासे का इस्तेमाल करें। तो देखिए, इस तरह से हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है। अगर आपको लगते हैं कि आपका बैटर बहुत ज़्यादा सख्त हो रहा है, तो आप 2 चम्मच घी गर्म कर इसमें डाल देंगे, तो आपका बैटर है ना बहुत ही लड्डू फॉर्म में आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा लूज़ है, तो आप थोड़ा सा चीनी का क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो बिल्कुल परफेक्ट है ये मेज़रमेंट, आप इसी तरह से बनाइएगा। और यहाँ पे मैंने इस तरह से छोटे छोटे लड्डू बना रही हूँ, आप चाहे तो बड़े भी बना सकते हैं। और इतने से बैटर में मेरे 11 लड्डू बनकर तैयार हो गए थे, बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप इसी तरह से बनाइएगा, सभी को बेहद पसंद आएंगे। और इन लड्डुओं को आप लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। ये देखिए, देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है ना, बहुत ही मज़े के ये बनते हैं। चलिए अब हम इसे गार्निशिंग कर लेते हैं। यहाँ पे मैं पिस्ता से और बचे हुए बूरे से मैं इसे गार्निशिंग कर दूंगी, तो देखने में ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरे लड्डू बनाने की मेथड पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अगर आपको कोई भी परेशानी आती है तो मैं उसका रिप्लाई जो है ना आपको ज़रूर से दूंगी। और आप इसी तरह के और भी लड्डू अगर जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं, मैंने कई तरह के लड्डू बनाकर रखे हैं। और आप मुझे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये देखिए, चलिए मैं अब इसे तोड़कर भी मैं आपको दिखा दूँ, अंदर का जो स्ट्रक्चर है ना बहुत ही मज़े का आता है। तो आप इसी तरह से लड्डू ज़रूर से बनाइएगा और पूरी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की आसान रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।